सो गाइस, मशीन लर्निंग में एक बहुत फेमस इंटरव्यू क्वेश्चन है कि अगर आपके पास एक मशीन है जिसमें 4 GB रैम है और अगर आपको एक डेटा सेट दिया जाए जो 10 GB का है, तो आप उस डेटा सेट के ऊपर कैसे काम करोगे। ये एक बहुत फेमस मशीन लर्निंग इंटरव्यू क्वेश्चन है जो आप थोड़ा भी प्रिपेयर करोगे ना अगर किसी जॉब के लिए, तो आपको पक्का ये क्वेश्चन दिखाई देगा। अब मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे कि थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज करो और एकदम ध्यान से सोचने का ट्राई करो कि अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपका आंसर क्या होगा। सोचिए, अब मैं आपको आंसर बताता हूं। आंसर सिंपल है, एक्चुअली कॉमन सेंसिकल भी है, बट उससे ज्यादा बड़ा क्वेश्चन ये है कि ये क्वेश्चन पूछा क्यों जाता है, क्या ये क्वेश्चन वैलिड है, क्या ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। द आंसर इज अ बिग यस। आज की डेट में हम इंटरनेट इकोनॉमी में जी रहे हैं, हम इतना डेटा प्रोड्यूस करते हैं कि हम सो रहे होते हैं तब भी हम डेटा प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो बहुत ही सिंपल है ये कि बहुत सारी कंपनीज के पास बहुत सारा डेटा है और कल को अगर आप किसी कंपनी में जाते हो, इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आपके टेबल पे 10 GB का डेटा सेट पटक दिया जाए और आपसे बोला जाए कि एनालिसिस करके दो, और अगर आपको वहां पे ये काम नहीं आता तो आप बहुत इजीली रिप्लेसेबल हो। तो क्वेश्चन तो बहुत वैलिड है, आंसर क्या है। मैं आपको 3 अलग आंसर्स दूंगा, ठीक है, और हर आंसर का प्रोज और कॉन्स भी बताऊंगा, और अलोंग द वे हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज आउट ऑफ कोर मशीन लर्निंग। सो पहला आंसर ये है कि आप सब सैम्पलिंग करोगे। मैं यहां पे ये टर्म लिख रहा हूं, सब सैम्पलिंग। आई गेस आपको नाम से भी समझ में आ रहा है और ये थोड़ा कॉमन सेंसिकल आंसर है कि आपके पास अगर 10 GB डेटा है तो आप इसमें से कुछ रोज हटा दोगे या फिर कुछ कॉलम्स हटा दोगे या फिर दोनों। द आइडिया इज टू रिड्यूस द साइज। दिस कुड बी एन अप्रोच, बट आपको आई गेस सुन के समझ में आ रहा होगा कि ये बहुत अच्छा आंसर नहीं है, ये एक ऐसा आंसर नहीं है जिससे आपको जॉब मिल जाएगा। सो इसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि आप इंफॉर्मेशन लूज करोगे और जितना अच्छा मॉडल आप बिल्ड कर सकते थे उतना अच्छा मॉडल शायद बिल्ड ना कर पाओ, राइट। सो ये आंसर उतना अच्छा नहीं है। सेकेंड आंसर क्या है, सेकेंड आंसर है कि आप कोई क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म यूज करो, क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म यूज करो लाइक AWS या फिर गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। यहां पर आप एक सर्वर रेंट कर सकते हो, ठीक है, और उस सर्वर पे आप जितना मर्जी चाहे रैम बिठा सकते हो, इवन टेराबाइट्स तक भी कंपनीज में देखा जाता है कि रैम यूज हो रहा है। अब ये अप्रोच ठीक है, बट इसमें भी एक डाउनसाइड है और वो डाउनसाइड है कॉस्ट। अब हु नोस आपकी कंपनी इतना पैसा आपको दे या ना दे, या फिर आप हो सकता है कि इंडिविजुअल लेवल पे रिसर्च कर रहे हो तो इतना पैसा शायद आप ना लगा पाओ। तो फिर अब और क्या आंसर बचा, आंसर थर्ड है आउट ऑफ कोर मशीन लर्निंग। ये टेक्निक यूज करके आप अपने मशीन पर कितना भी बड़ा डेटा सेट, अब ऑब्वियसली लिमिटेशंस है, आप टेराबाइट्स ऑफ डेटा सेट यूज ना कर पाओगे, लेकिन GBs में अगर आपके पास डेटा सेट है, 10 GB तक भी डेटा सेट है, तो आप उसको अपने लैपटॉप पे 2 GB रैम में भी उसके ऊपर एनालिसिस और मॉडल बिल्डिंग कर सकते हो। अब सवाल यह है कि आउट ऑफ कोर मशीन लर्निंग होता क्या है। तो गाइस सबसे पहले लेट्स डिस्कस अबाउट द टर्म आउट ऑफ कोर। ये वर्ड कहां से आया, ये वर्ड आया है कोर मेमोरी से। सो कोर मेमोरी आई गेस आपको पता होगा रैम को बोलते हैं। सो आउट ऑफ कोर का मतलब हुआ एक्सटर्नल मेमोरी लाइक आपका हार्ड ड्राइव, ठीक है। तो अगर आप इसके डेफिनेशन पे जाओ तो बाय डेफिनेशन आउट ऑफ कोर मशीन लर्निंग को आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो दैट इट इज अ वे टू ट्रेन योर मॉडल ऑन अ डेटा विच कैन नॉट फिट ऑन योर रैम और मेन मेमोरी, राइट। सो ये एक ऐसा तरीका है मशीन लर्निंग का जहां पे आप इस तरह के डेटा के ऊपर मशीन लर्निंग करते हो जो आपके रैम में फिट नहीं हो सकता, ठीक है। अब ये एग्जैक्टली 3 स्टेप्स में किया जाता है, ये तीनों स्टेप्स मैंने यहां पे लिख दिए हैं। सबसे पहला स्टेप होता है स्ट्रीमिंग डेटा, दूसरा स्टेप होता है एक्सट्रैक्टिंग फीचर्स, और थर्ड स्टेप होता है ट्रेनिंग द मॉडल, ठीक है। अब लेट्स टॉक अबाउट स्टेप 1 कि स्ट्रीमिंग डेटा क्या है। सो स्ट्रीमिंग डेटा मतलब आपका डेटा जहां भी पड़ा हुआ है आपके हार्ड ड्राइव पे या किसी सर्वर पे, उसको उस जगह से रीड करके रैम में लेके आना। और आप रैम में उसको कैसे लेके आते हो, इन मिनी बैचेस, छोटे छोटे बैचेस में। सो अगर आपके पास 10 GB का डेटा है, आप उसको ब्रेक डाउन कर दोगे इंटू चंक्स। मान लो आपने इसको 10 बराबर चंक्स में डिवाइड कर दिया, हर चंक 1 GB का है। तो अब आप क्या करोगे, आप एक एक करके इसको मेमोरी में लोड करोगे। पहले 1 GB वाला मतलब पहले फर्स्ट चंक लोड किया, इसके ऊपर प्रोसेसिंग किया,
जब इसका काम हो गया इसको रैम से हटा दिया, फिर अगले को लोड किया उसके ऊपर काम किया, फिर उसको भी रैम से हटा दिया, एंड सो ऑन। सो ये काम करने के लिए आपको एक रीडर की जरूरत होती है, इसको हम डेटा रीडर बोलते हैं। ये जनरली कोई लाइब्रेरी ये काम सॉल्व करती है, जैसे अगर आपने पैंडास में काम कर रखा है तो पैंडास में ऑलरेडी आपके पास पैंडास आईओ में ये फंक्शनैलिटी है कि आप डेटा को चंक्स में लोड कर सकते हो। अगर आप ये कार्ड चेक करोगे तो मैंने एक वीडियो बना रखा है जहां पे मैंने ये करके दिखाया। अगर आप डीप लर्निंग के स्पेस में काम कर रहे हो तो केरास में बिल्ट इन डेटा रीडर्स होते हैं, ठीक है, आप उनको यूज कर सकते हो। और हम एक और लाइब्रेरी के बारे में पढ़ेंगे फ्यूचर में, वैक्स बोल के, जो स्पेसिफिकली इसी चीज के लिए डिजाइन है अगर आप मशीन लर्निंग के स्पेस में काम कर रहे हो। ये पैंडास से भी ज्यादा एफिशिएंट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको चाहिए इस तरह की कोई लाइब्रेरी जो चंक्स में डेटा को रीड कर पाए आपके हार्ड ड्राइव से आपके रैम में, ठीक है। अब स्टेप टू बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के, थोड़ा सा जुगाड़ लगा करके फीचर्स एक्सट्रैक्ट करने होते हैं। मशीन लर्निंग में आप मॉडल ट्रेन करते टाइम कुछ फीचर्स देते हो एज इनपुट, तो वो फीचर्स एक्सट्रैक्ट करना थोड़ा ट्रिकी काम है, तो यहां पर ही सबसे ज्यादा दिमाग लगता है और ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है। तो अगेन इसके बहुत प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में हम अभी नहीं जा सकते क्योंकि हमने बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं की है, बस यू समझो कि हम फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं स्टेप टू में सो दैट हम मॉडल को ट्रेन कर पाए, ठीक है। अब आता है लास्ट स्टेप, दैट इज ट्रेन मॉडल। अब आप यहां पे सोचो तो मशीन लर्निंग मॉडल्स हमने अभी तक जितने भी पढ़े हैं, जो भी एल्गोरिथम्स हमने पढ़े हैं, वो एक साथ पूरे डेटा को लेते हैं और फिर ट्रेन होते हैं। बट यहां पे तो आप एक साथ पूरा डेटा लोड ही नहीं कर सकते मेमोरी में, दैट्स द प्रॉब्लम। इवन इफ आपने सारे फीचर्स एक्सट्रैक्ट कर दिए होंगे तब भी ये फीचर्स आपके रैम से ज्यादा हो सकते हैं, तो आप एक साथ पूरे डेटा को ट्रेन नहीं कर सकते यूजिंग अ सिंगल मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। यहां पर आपको एक कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं इंक्रीमेंटल लर्निंग, इंक्रीमेंटल लर्निंग। सो इंक्रीमेंटल लर्निंग के केस में क्या होता है कि आप मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स को मिनी बैचेस ऑफ डेटा दे देकर के ट्रेन करते हो। मैं आपको समझाने का ट्राई करता हूं। सो मान लो आपके पास 10 GB डेटा है, तो आप क्या करोगे, फिर से छोटे छोटे बैचेस बनाओगे और ये आपका मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है मान लो M, आप उसको पहला चंक दोगे, अब आपका मॉडल उसके ऊपर ट्रेन होगा, छोटे से आपके डेटा के ऊपर ट्रेन होगा, और मान लो ये M चेंज होकर के अब M डैश हो गया, कुछ चेंजेस आएंगे आपके मॉडल में, कुछ सीखेगा वो। अब जैसे ही वो M डैश पे आ गया, अब आप सेकेंड चंक उठा करके भेजोगे और फिर से जो मॉडल है उसको ट्रेन करोगे, तो अब मॉडल शुरू से ट्रेन नहीं होगा, M डैश से ट्रेन होगा, और M डैश से ट्रेन होकर के M डबल डैश हो जाएगा। बेसिकली आप एक साथ पॉइंट A से पॉइंट B पे नहीं जा रहे, आप छोटे छोटे गैप्स लेते हुए जा रहे हो, स्टॉप्स लेते हुए जा रहे हो। सो आपका पहला स्टॉप है M डैश, आपका दूसरा डैश स्टॉप है M डबल डैश। सो हर बार क्या हो रहा है, आपका मॉडल स्टेप्स में ट्रेन हो रहा है, ठीक है। अब द प्रॉब्लम विद दिस अप्रोच इज, इंक्रीमेंटल लर्निंग के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये फीचर सारे मशीन लर्निंग एल्गोरिदम सपोर्ट नहीं करते, सिर्फ वही मशीन लर्निंग एल्गोरिदम सपोर्ट करते हैं जिनके अंदर पार्शियल फिट बोल करके एक मेथड होता है। अभी तक आपने जब भी मॉडल ट्रेन किया होगा तो फिट बोल के मेथड होता है, आपको कुछ मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स में पार्शियल अंडरस्कोर फिट बोल के भी एक मेथड दिखाई देगा। अब पार्शियल अंडरस्कोर फिट से आप क्या कर सकते हो, छोटे छोटे बैचेस देकर के भी मॉडल को ट्रेन कर सकते हो, और हमेशा मॉडल का ट्रेनिंग उसी पॉइंट से स्टार्ट होगा जहां पे वो रुका था पिछले बैच के साथ, ठीक है। अब कौन कौन से एल्गोरिदम्स को सपोर्ट करते हैं, सबसे पहले एसजीडी रिग्रेसर है, एसजीडी रिग्रेसर ये आपने शायद पढ़ा होगा, ग्रेडियंट डिसेंट के टाइम। सेकेंड आपका क्लासिफिकेशन में आ गया आपका नाइव बेस और पैसिव अग्रेसिव अग्रेसर क्लासिफायर और पैसिव अग्रेसिव रिग्रेसर बोल के एक क्लास है साइकिटलर्न में, वो भी आप यूज कर सकते हो। अगर आप क्लस्टरिंग कर रहे हो तो मिनी बैच की मीन्स बोल करके एक एल्गोरिदम है, आप उसको भी ट्राई कर सकते हो। तो इन शॉर्ट अगर आप समझने का ट्राई करो आउट ऑफ कोर मशीन लर्निंग क्या है, मैं आपको एक बार समराइज करके बताता हूं। आप एक ऐसे डेटा सेट को ऊपर काम कर रहे हो जो आपके रैम से भी ज्यादा बड़ा है, तो ऑब्वियसली सीधे तरीके से आप ये काम नहीं कर सकते, तो आपको सबसे पहले एक डेटा रीडर चाहिए जो चंक्स में डेटा को लोड कर पाए रैम के ऊपर, फिर आप उसमें से किसी तरीके से फीचर्स एक्सट्रैक्ट करते हो सो दैट आप मशीन लर्निंग मॉडल को वो डेटा दे पाओ। अब सिंस अभी भी ये डेटा बहुत बड़ा है, रैम में फिट नहीं हो सकता एक साथ, तो आप इंक्रीमेंटल लर्निंग यूज करते हो जहां पे आपके पास कुछ एल्गोरिदम्स का ऑप्शन है जो पार्शियली डेटा के ऊपर ट्रेन हो सकते हैं, एंड दैट इज हाउ यू ट्रेन योर मॉडल।
ठीक है, एंड दिस एंटायर कॉन्सेप्ट इज नोन एज आउट ऑफ कोर मशीन लर्निंग एंड इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन मशीन लर्निंग बिकॉज आज की डेट में जहां पे आपके पास डेटा ही डेटा है, बड़े डेटा के साथ काम करना बहुत फ्रीक्वेंट होता जा रहा है और एज अ मशीन लर्निंग इंजीनियर आपको इस टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए।